कोरोना काल में मानवता को शर्मसार करने वाली कई घटनाएं सामने आई हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से भी सामने आ रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से हुई मौत के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार की जगह शव को राप्ती नदी में फेंक दिया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दो लोग एक शव को पुल से राप्ती नदी में फेंक रहे हैं। जिस दौरान शव को पुल से नदी में फेंका जा रहा था, तभी वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। ये घटना राप्ती नदी पर बने सिसई घाट पुल की है। वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी सोरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया, दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। अंत्येष्टि स्थल पर इनके रिश्तेदारों द्वारा उसको प्राप्त किया गया था। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, शेष कार्रवाई की जा रही है। खबर के मुताबिक प्रेमनाथ के भतीजे संजय ने उनका अंतिम संस्कार न करके एक सफाई कर्मचारी और शमशान घाट में काम करने वाले शख्स को रुपए देकर उनके शव को पानी में प्रवाहित करने के लिए कहा। पुलिस ने संजय और सफाई कर्मी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी कुछ लोग मामले में फरार हैं। बताया जा रहा है कि प्रेमनाथ के परिवार में उनके भाई के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए लॉकडाउन के दौरान वो अपने भतीजे संजय के घर रहने चले गए थे, लेकिन वहां पर उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और फिर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।